कौन बनेगा करोड़पति में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाय मेरी जान। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा पहला सवाल। न्यूज चैनल वालों की माँ की डैश 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 पैर मेरा, ये आवाज किसके और ये डैश डैश में क्या लिखा है? कमेंट करके बताना। सो माय नेम इज सुनील गलौर, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। रिसेंटली एक भाई ने मुझे इस वाली पिक के लिए मुझे एक डीएम करा था। मैं सोचूं चलो खाली खाली बैठे तो आज ट्यूटोरियल बना ही देते हैं और पोस्ट कर देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वाली वीडियो में पूरे चिल और शांति से बिल्कुल मन को स्ट्रेट रखना हमारे वीडियो की तरफ, क्योंकि इस वाली पिक में भी हम करने वाले हैं लाइटरूम और फोटोशॉप सीसी का यूज। तो चलो देखते हैं फटाफट। सो ये रही पिक, हमारी पिक को हमने इंपोर्ट कर लिया है लाइटरूम मोबाइल में। तो फटाक से अभी एडिटिंग स्टार्ट कर दे। तो यहाँ से मैं फटाफट उसको ऑटो करेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं उसका एक्सपोजर जीरो ही रखूँगा, हाईलाइट्स पूरे माइनस कर दूँगा, शेडोज पूरे बढ़ा दूँगा और वाइट्स अराउंड 14 आसपास रख दूँगा और ब्लैक्स को भी अराउंड 18 आसपास रख दूँगा। बाद में कर्व टूल में जाना है। कर्व टूल में कुछ इस टाइप का मैं कर्व बना ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, उल्टू कॉपी करना है आपको। वैसे तो आपको प्रीसेट मिल ही जाएगा तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक कर्व टूल की एक ऐसी खास ट्रिक जो हर कोई प्रोफेशनल एडिटर करता है, सो मैं उसको लास्ट में बताऊंगा। तब तक वीडियो को एंड तक जरूर देना, एक भी पार्ट मिस मत करना। मैं कभी भी वो कर्व टूल की सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद मैं जाना है डायरेक्ट फिर हमें HSL में। HSL में यहाँ से हम हर बार की तरह येलो को भी माइनस ही कर लेंगे और यहाँ से पर्पल को कर देंगे ह्यू माइनस और सेचुरेशन इसका थोड़ा माइनस करेंगे और लुमिनिक थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे। रेड को उसका सेचुरेशन प्लस करके उसका लुमिनिक पूरा बढ़ा देंगे। बस इतना कुछ करना था, थोड़ा हल्का सा इफेक्ट आ गया है लेकिन हम उसको भी करेंगे थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग। तो यहाँ तो आपको सबसे पहले शेडोज में इस प्रकार ये वाला कलर सिलेक्ट करना है। सेचुरेशन उसका रख देना है अराउंड 45। फिर उसके बाद में जाना है मिड टोन्स में यहाँ पे येलो ले लो और उसका एक सेचुरेशन 25 परफेक्ट रहेगा और हाइलाइट्स में भी येलो ही लेना और उसका सेचुरेशन अराउंड 10 और यहाँ से डन करना है। फिर उसके बाद में जाना है सिंपल है, आपको यहाँ पर हर बार की तरह टेक्सचर बढ़ा लेना है आपके पिक के अकॉर्डिंग। मैं मेरे आपके पिक के अकॉर्डिंग मैंने टेक्सचर को 55 पे रखा है और क्लेरिटी थोड़ी बहुत माइनस कर लेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी हम करेंगे हमारी पिक को स्मूथ मोबाइल में, वो भी स्केचबुक के साथ, क्योंकि स्केचबुक में रहते हैं पिक्सल्स वो हमारे परफेक्टली और हमारी पिक को कुछ नुकसान नहीं होगा, मतलब उसके पिक्सल घटेगी नहीं और हमारी पिक फटेगी भी नहीं और एक अपलोड करने के टाइम एक हाई क्वालिटी में अपलोड होगी हमारी इंस्टाग्राम या कोई भी प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट यहाँ पर मैं यहाँ वाला ब्रश आपको दिखा देता हूँ। सो ये वाला ब्रश यूज़ करा और उसकी सेटिंग कुछ इस तरह है। फिर उसके बाद मैं फटाफट साइज को छोटी बड़ी करने के बाद करते हैं हमारी स्पेस को स्मूथ करना चालू। तो इतना तो मोबाइल का हो गया एडिटिंग, बाद में हम करते हैं हम फोटोशॉप में एडिटिंग। तो पीसी पर चलते हैं फटाफट से और बाद में देखेंगे हम लास्ट में जो हमारे फोटोशॉप का और मोबाइल का एडिटिंग का जो मतलब कंपैरिजन करेंगे कौन सा पिक अच्छा रहने वाला है। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे।
आई होप दोनों में तो काफ़ी कुछ अंतर नहीं दिख रहा है मुझे, दोनों पिक में भी सेम ही है, बस आपका आपका नज़रिया होता है एक एडिटिंग करने का। सो मेरा नज़रिया तो वैसा ही है, तो मैंने दोनों में भी सेम ही एडिट करा है, चाहे वो फोटोशॉप हो या चाहे मोबाइल की बात हो। तो ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ही लेना। तो जल्द मिलते हैं और एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लेकिन एक सेकंड। तो जी हाँ भाई लोग, आ गए वो मुश्किल घड़ी, मतलब कि वो हमारी जो सीक्रेट ट्रिक है वो उसकी घड़ी। तो अभी सिंपल से आपको करो टूल में जाना है और वो जो सीक्रेट ट्रिक है वो आपको यहाँ पे जो हाईलाइट्स और एक्सपोजर की ये जो करो टूल रहती है उसमें करने वाले हैं हम। तो सिंपल आपको यहाँ पे तीनों डॉट्स पे पहले तो आपको एक एक डॉट रख देना है, देखना है थोड़ी बहुत ऐसी छिड़कन ना हो हाईलाइट्स मिड टोन्स कुछ भी शेडोस वगैरह में। यहाँ पे मैं सिंपल धीरे धीरे सब कुछ कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं ये तीन डॉट लगने के बाद लास्ट वाले जो सबसे नीचे वाले डॉट को आपको थोड़ा ऊपर करना है और देख सकते हो फेड जैसा हो गया है और आपको उसको अपने पिक के अकॉर्डिंग रखना है। तो मैं कुछ इतना ही रखूँगा और यहाँ से डन। और आप लोग देख सकते हो कितना ऑसम लुक आ रहा है, उसकी वजह से मैंने काफ़ी मेरे पिक्स में ऐसा मैं करता हूँ, एक फेड जैसा लुक दे देता हूँ जिससे हमारी पिक एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटर्स भी ये सब यूज़ करते हैं लेकिन कोई इतना कुछ बताता नहीं है। सो मैंने बताया तो जाओ अपनी पिक्स में भी ट्राई करो ये सब।